बिरयानी बीफ बर्गर। ये जो है ना, ये भी एक अलग सी डिश, एक ऐसा बर्गर के बारे में ना ही आपने कभी सुना होगा, ना ही आपने कभी देखा होगा, और टेस्ट तो करना बहुत दूर की बात है। हम तो हम, लेकिन इसके बारे में जब मैंने एक अरब भाई को बताया, बर्गर बिरयानी, परचेज करिए, हाइपर पांडा में हम लोग पहुंच। हाइपर पांडा यानी के बड़ी पांडा। वैसे इस बीफ बिरयानी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, वो तकरीबन 5 हैं। लिस्ट इस वक्त तो छोटी है, लेकिन हो सकता है बड़ी हो जाए। हाइपर पांडा एंट्रेंस मदखल। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे गोश्त, वो सामने है जी, अल्लाहुम यानी मीट गोश्त। ये सारा गोश्त तो पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग वहाँ से लेंगे जिसमें फ्रेश नज़र आ रहा है, 100% फ्रेश। गोश्त को देख के मुंह में पानी आ जाता है बिल्कुल। ये सारे बकरे हैं, लेकिन हमें बकरा नहीं चाहिए, हमें बीफ चाहिए, बीफ गोश्त। फ्रेश वेल, ये लिखा हुआ जी, फ्रेश वेल टॉप साइड 64 रियाल का, ये वाली है, तो यही ले लेते हैं। इतना हमने जो ये है ना यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको हमने खरीदा। ठीक आए दे, ये हमारी कटिंग हो रही है गोश्त की इस वक्त। गोश्त तो हमने ले लिया, एक ये चीज़ हो गई है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है बर्गर बन, बिरयानी बन। बन के लिए हम आ गए बेकरी के सेक्शन में। अब यहाँ पे ये पूरा सेक्शन बन्स का है, वो देखना है कि इनमें दी बेस्ट वाला बन कौन सा होगा। आई हैव नो आइडिया, ये नॉर्मल लग रहा है, अभी खास नहीं, ये कोई ठीक लग रहा है, इज़न्ट इट। लेकिन ये ऊपर जो है ना, इनकी शक्ल भी सही नज़र आ रही है, और ये ब्रांड भी ठीक है, ये वाले ले लेते हैं। ऐसे तो अगर ब्राउन ब्रांड मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ब्राउन इनके पास है नहीं, सब वाइट बनी है। चलते चलते मुझे ये भी नज़र आया है, ये कुछ सही लग रहे हैं, ये बंदे इनको काटना पड़ेगा, ये भी ले लेते हैं। और अब हमने लेनी है कुछ सब्ज़ियाँ, जो कि बर्गर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों में से कुछ चीज़ें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा सेक्शन वहाँ तक है, ठीक ठाक बड़ा सेक्शन इनके पास सब्ज़ियों का भी। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे ये लेटस, लेटस बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। फिर लेंगे हम लोग ये वाला प्याज, सफ़ेद प्याज। वैसे तो प्याज दो किस्म के होते हैं, एक वाला होता है और एक ये वाला होता है, लेकिन बर्गर के लिए आई थिंक ये वाला प्याज सही रहेगा, ये एक बंदे ने मुझे एक ज़माने में बताया था। और अब बारी है टमाटो की, और ये हैं टमाटो, ये वाले टमाटर लेते हैं हम लोग। अब बिरयानी का बर्गर, तो बिरयानी मसाला लेना भी तो लाजमी है ना, तो अभी लेंगे हम लोग बिरयानी मसाला। ये सब मसाले तो हैं, लेकिन अपना बिरयानी मसाला नज़र नहीं आ रहा यार। नुप्स, बिरयानी मसाला नहीं है ये। अपने शान और मेहरान वाले किधर गए यार? शान और मेहरान, हमें शान भी मिल गए और मेहरान भी मिल गए। ये हैं जी शान वाले, और यहाँ पे हैं जी मेहरान वाले, लेकिन हम लोग लेंगे मेहरान वालों की, काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसलिए। यहाँ पे जी कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉम्बे बिरयानी और यहाँ पे लिखा हुआ है खाली बिरयानी, कौन सी लें आई हैव नो आइडिया। लेकिन आज हम लोग सिर्फ ये लेंगे बिरयानी, सिंपल बिरयानी मसाला, कोई बॉम्बे नहीं, कोई और कुछ नहीं, बिरयानी। ये भी सही है जी, लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन अ 15% डिस्काउंट फ्रॉम बर्गर किंग ऑन एनी ऑर्डर ऑफ 30। पहुंच गए जी हम अल जदीद की फर्स्ट ब्रांच के ऊपर। वैसे हमारे शेफ साहब को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हम लोग आज कौन सा नया और अनोखा तजुर्बा कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया नूर। हमारा प्यारा अल जदीद ब्रांच वन, माल तो पहुंच गया अल जदीद के किचन में। सलामैकम शाह जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शाह जी, बिरयानी बीफ बर्गर कभी सुना है? अल्लाह खैर करे जी। ये है जी गोश्त, ये है जी प्याज, और ये है जी टमाटर, और ये हमारे सारे बन है। अब बनाने ऐसा है कि बिरयानी होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी बर्गर की तरह। तो सबसे पहले हमने बनानी है बिरयानी की ग्रेवी। ग्रेवी बनानी, अब ग्रेवी बनेगी। वैसे इसके मुख्तलिफ स्टेप है, आगे बताते रहेंगे आप। ये जो बिरयानी की ग्रेवी होती है, उसके लवाजमात, तो उसके चीजें लेकर आ गए शाह जी। अदरक जा रही है इसके अंदर, भी इसमें डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। शाजी ये क्या बन रहा? ये अदरक लहसुन का पेस्ट बन रहा है सर। अदरक लहसुन का पेस्ट, अब ये पहले इस गोश्त को साफ करेंगे। ठीक, गोश्त को हम लोगों ने सही तरीके से साफ करके धो लिया। इसके ऊपर इंशाल्लाह बिरयानी का ग्रेवी ग्रेवी वगैरह तैयार। ये भी ब्राउन भी होगा? ये ब्राउन होगा, ब्राउन के बाद अदरक लहसुन डालेंगे, उसके बाद टमाटर डाल।
और अगर ये ना हो तो बिरयानी बिरयानी नहीं रहती, इजंट इट? मिर्चियां जी, टमाटर के साथ ग्रेवी बनेगी ना? जी बिल्कुल। अभी इसमें जाएगी हरी मिर्च, सिर्फ ग्रेवी बनाने तक कितना टाइम जा रहा है, I don't know आगे क्या हो। अभी हमारी सीक्रेट रेसिपी तो नहीं बताने लगे? जी बिल्कुल। कोई मसला नहीं, ये सारे मसाले हैं, लेकिन जब तक हमारा सीक्रेट मसाला इसमें नहीं जाता तब तक अल जदीद का टेस्ट नहीं आता, तो हम लोग सीक्रेट मसाला भी डालेंगे। वही सीक्रेट मसाला ये है जी, हमारा मसाला जो बिल्कुल यूनिक मसाला है। कितनी देर लगती है इनको? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा, अब इसको हम लोग आधा घंटा रखेंगे ताकि ठीक तरीके से बन जाए, लेकिन जो इसके बाद चावल का किस इरफान भाई, आपने कभी बिरयानी बर्गर के बारे में सुना है? बीफ बिरयानी बर्गर? नहीं, ये सर फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम उसको इंशाल्लाह चेक भी करूँगा। बिरयानी की ग्रेवी हमारी तैयार हो गई और अब आया टाइम कीमे की मशीन को लाने का। ये जी आ गई हमारी माइटी कीमे की मशीन। अब यहाँ पे जितने भी बिरयानी लवर्स हैं वो इस तरह बिरयानी को देख के उनको तकलीफ तो होगी, लेकिन काइंडली कंट्रोल करें क्योंकि एंड प्रोडक्ट आई एम श्योर बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। ये हैं जी हमारे बिरयानी चावल, ताजे ताजे जो तैयार है। सादा बिरयानी होती है हमारी अल जदीद की, ये सेला राइस की बनी हुई होती है। इसमें चावल बिरयानी शादी, आपको क्या लगता है कैसा रहेगा टेस्ट? बहुत जबरदस्त। जो एक्सट्रीम बिरयानी लवर्स हैं उनके लिए सीन थोड़ा सा सख्त है, बट प्लीज वेट। ये जी हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब इसके बाद हम इसकी पैटीज बनाएंगे बर्गर के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला हो गया है कि जो बर्गर की मेन आइटम है जो कि चीज होती है, वो मैं नहीं लाया मार्केट से, तो अभी जाएंगे हमारे एक आदमी चीज लेने के लिए। आ गए मिस्टर इरफान भाई, थैंक यू यार। वेलकम। हमारे एजाज भाई आ गए, उनको बर्गर की पैटीज बनानी आती है इसलिए बना रहे हैं, और ये हमारी पैटी पहली पैटी बन गई। हमारी पैटीज तैयार हो चुकी हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, अब टाइम आ गया है कि हम इन बंस को तैयार करें, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट टच देंगे जिसमें इसको फुल टाइम पकाना। हम लोग इस मक्खन को लगाएंगे ताकि उसका भी टेस्ट दोबारा। बन कट गए, हमारा ये प्रोग्राम है कि ये जो बंस है ना इनको भी बारबेक्यू करें ताकि जो ऊपर थोड़ा मक्खन लगा है टेस्ट के लिए वो इसके ऊपर सही तरह स्प्रेड हो जाए। ये हमारे बन तैयार हो रहे हैं। ये जी पिंजरा जिसके ऊपर हम लोग ये सारे जो पैटीज हमने बनाई हुई हैं उनको रख रहे हैं ताकि इसके बाद ये वहां पे सामने जाके बारबेक्यू होगा। ये हमारे रेस्टोरेंट के वैसे तिक्के तैयार हो रहे हैं किसी कस्टमर के लिए, हमारा यही है। ये हमारी सारी चीजें तैयार हो गई हैं जी बर्गर बनने के लिए फाइनल स्टेज। बन, सैलेड, पत्ता, प्याज, चीज और ये हमारी जो मेन चीज है पैटी। सबसे पहले ये जाएगा हमारे सलाद पत्ता। सलाद पत्ती ये जी हमारे तैयार हो गए, अब इसको हम लोगों ने पैक करना है ताकि हम लोग अल जदीद ऑफिस में ले जाएं जहाँ पे हमारे साथ साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं के साथ मैं कहूँ, और ऑफ कोर्स हमारी चटनी भी होगी इसमें। हमारे दूसरे शेफ साहब हैं एजाज साहब, उन्होंने हमें कहा कि यार ये भी दिखा, ये जो है ना ये भी एक अलग सी डिश बनी है जिसमें बर्गर बिरयानी बर्गर विद बिरयानी और सब कुछ, और बताते सब कुछ पड़ा। ये भी एक अनोखी है अपने साइड में, तो ये नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे हमने कैसे बनाया। वेलकम टू अल जदीद ऑफिस। यमन अलीम शेख खास गरीब ओ मामा शिफ्त हयात। बर्गर बस बीफ बिरयानी बर्गर, बीफ यानी लहम, बिरयानी यानी बिरयानी, बर्गर यानी फिश। शेख खास मैं एकदम तफहम लाजम क्योंकि इन्होंने इससे पहले वाली चीज बिल्कुल नहीं देखी हुई क्या हो। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। बर्गर इनको लग रहा है कि बर्गर आई दी है, नॉर्मल बर्गर है। शेरहादी लहम फिया बिरयानी भारत बिरयानी रुस लहम शाहम भारत यानी बिरयानी यानी बिरयानी हो बर्गर। बस याकुल क्या था मर्रा वाहिद अव्वल शेय मिर्ची हमने थोड़ी कम डाली।
برياني الصدق. اصلا اليوم بقيت الكيس اشم ريحه برياني وهو برجر. برجر ايه خوشبو برياني کی آ رہی ہے لیکن ہے برگر. اب ہماری جو بریانی ہوتی ہے نا وہ ان رائتوں اور ان سوسز کے بغیر نہیں ہوتی. هذه الصوص لازم في البرياني. قسم بالله يا فضل اني احس شكل برياني. ايه اكيد اكيد بس اسمع لازم الصوص. يا ولي صوص يا جناب علي هماري چٹنی یہ ہمارے ریسٹورنٹ کی چٹنی ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس املی ہے اور یہ ہمارے پاس یوگرٹ سلاد. هذه فلفل ابو منو. ايوه هذا حق البرياني دائما البرياني. فلفل كويس. برياني. برياني صح؟ برياني. والله برياني. 100% برياني لگ رہا. اب یہ کہنے گے میں ساری جو ہے نا سوسز اس کے اوپر ڈال کے کھاؤں. جو املی ہے یہ بھی جا رہی. اوئے ہوئے کوئی اٹامک چیز بنا رہے ہیں. وہ فلفل حطیت. فلفل برد بس. دقیقہ دقیقہ کلوز اپ اس کا لازمی ہے یار. یہ جی برگر بنا دیا سعد صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اٹامک برگر. بسم اللہ. رب الكعبه اكل شو اسمه بريان. کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے بریانی کر رہا ہوں. مو برگر. اور ابھی میرے ٹائم ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا. یہ جی برگر بیف برگر. یار سعد صاحب کو دیکھ کے دل کر رہا ہے. بہت زیادہ مجھے بھوک لگی. ایک بھوک ہوتی ہے نا اس سے بھی زیادہ. البتہ میں لوں گا چٹنی اپنی اور چٹنی کے اندر ڈبو کے اور جب تک یہ فل نہ ہونا تب تک مزہ نہیں آتا. آف کورس. کیف کیف کیف. یہ جی ہمارا تیار ہو گیا. یہ میرا نوال ہے. بسم اللہ. بریانی برگر. الرز طاحت منها. چاول گر گیا برگر میں سے. کہتے ہیں چاول گر گیا برگر. بس کیف نکھا. ہیلو صاحب. والله مجنون. ہیلو. جو اس کے اندر ہے وہ بھی دکھاتے ہیں. دو منٹ سے بڑھ کر. فیفل زیادہ. فیفل زیادہ ہے اس کے اندر. املی لی. املی کے اندر ڈبویا اپنا برگر اور پھر یہ نکلا. اور بسم اللہ. یا اخی احسن. املی کے اندر تو ٹیسٹ ہی دوبالہ ہو گیا اس کا. دیکھا نیکسٹ لیول ٹیسٹ ہو گیا. یہ املی کے اندر دوبارہ ڈال رہے ہیں جی برگر. اس کو نہلا رہے ہیں املی کے اندر. یہ الٹیمیٹ بائٹ بن گیا. بسم اللہ. هذا احلى فضل. لا 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 تمر هندي. والله حلو التمر. برياني بيف برگر. اب ٹائم آ گیا اس کے اندر جو ہمارے جو شیف تھے دوسرے شیف انہوں نے بنایا تھا وہ ایسا دیکھ. یعنی بیف برگر ود سائڈ پہ تھوڑے سے بریانی اور پھر اس کے بعد بتاتے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا. یعنی هذه المكونات اللي جوا البرگر. المكونات جوا بس زیادہ حطیت زیادہ. نجرب. کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے مندی کھا لی. آئی نو اس کو ہم لوگ کل جدید میں لائیں گے کہ نہیں لائیں گے ابھی فی الحال لیکن اٹ از ڈیلیشیس. ام نارمل بریانی. چل جا رہا تو فلم نہیں. خیر یہ تھی آج کی ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ. بھائی کو دعا میں یاد رکھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم. بالله تعالوا قاعد. لا لا خذها كامله كامله. لا 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 والله تاخذها كامله. قطسها زياده. هني هني. والله بكره تعتمدها في المنيو. مدير المطعم بكره يعتمد. لیکن آپ کو پتا ہے وہ مسئلہ کیا آیا تھا جب باربیکیو پر رکھا ٹوٹ گئی پھر انڈا ڈالا کارن فلور بھی ڈالا لیکن پھر گوشت کا بریانی مسالہ بنایا. شوف هذا واحد ونص فضل خلاص قوي قوي مره والله قوي في برجر قال بهترين بيف برجر فرائی نہیں ہوتا وہ چکن برجر فرائی ایک تو ہوتا ہے وہ والا نہیں لیکن ابھی لو ما في لو ما في روح للصيدلية. ايش هذا يا فضل ايش هذا؟ لا لا دقيقة دقيقة نزل بس برجر بريان. إذا ما زبطت ألغي شوية ثاني مرة.